आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, आपको प्रश्न दिया गया है C6H6 लिक्विड सी ग्रेफाइट और H2 गैस के दहन की मानक एंथैल्पी क्रमशः -3270 किलो जूल मोल इनवर्स, -394 किलो जूल मोल इनवर्स तथा -286 किलो जूल मोल इनवर्स है। C6H6 के संभवन की मानक एंथैल्पी किलो जूल मोल इनवर्स में क्या होगी? -48 +48 -480 +480, ये सब किसमें दी गई? किलो जूल मोल इनवर्स में दी गई है। अब यहां पर आप देखिए, सबसे पहले आपके पास सी ग्रेफाइट है, इसका दहन कराओगे तो आपको मिलेगा CO2। बात समझे? तो CO2 के निर्माण की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ये डेल्टा HF बराबर कितना जाएगा? डेल्टा HF CO2 बराबर आपका कितना जाएगा? यहां से -394 किलो जूल आ जाएगा और मोल इनवर्स आएगा। ऐसा क्यों? जो यहां पर इसके दहन की एंथैल्पी होगी ग्रेफाइट की, ये CO2 के निर्माण की एंथैल्पी होगी। बात समझ में आ रही? H2 की बात करें यहां पर, तो इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दीजिए तो आपको मिलेगा H2O। तो डेल्टा HF H2O बराबर क्या होगा आपका? ये आपका होगा -286 किलो जूल मोल इनवर्स होगा। यानी जो इसके दहन की एंथैल्पी होगी H2 के, वो H2O के निर्माण की एंथैल्पी होगी। बात समझ आई? संभवन की एंथैल्पी एक तरह से। अब आपके पास है C6H6 है, इसकी अभिक्रिया O2 से करानी, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 6 तो आपको CO2 मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 6 CO2 मिलेंगे। और हाइड्रोजन कितनी मिलेगी आपको? यहाँ से 3 H2O आपको मिलेंगे। यानी कितनी ऑक्सीजन काम में आई यहाँ पर देखिए, ये आपके यहाँ से 3, यहाँ से और यहाँ से 12, यानी कुल मिला के 15 ऑक्सीजन काम में आई। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 15/2। बात समझ में आ रही? ये इतनी ऑक्सीजन काम में आई। यानी आप डेल्टा एच सी किसके लिए निकाल रहे हो आप? C6H6 के लिए। बात समझ में आ रही? ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एच एफ CO2 प्लस डेल्टा एच एफ H2O। यानी यहां तो आपका लगेगा कितना? 6 आगे लगेगा और यहां पे आपका लगेगा 3 आगे लगेगा। बात समझ में आ रही? माइनस डेल्टा HF C6H6 लगेगा। यानी सारे मान यहां पर रख दीजिए। ये आपको दे रखा है -3270 दे रखा है, ये आपको दे रखा है 6 गुणा आपका कितना जाएगा यहां से CO2 का कितना आएगा? -394 से गुणा करोगे, H2 में क्या करोगे? इसे 3 से गुणा करोगे, यानी -394 से गुणा करोगे, बराबर में माइनस, यानी आपका माइनस यहां पर है। डेल्टा HF C6H6 आएगा आपका। C6H6 के लिए डेल्टा AC यानी दहन की एंथैल्पी आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर? -3270 दे रखी है। CO2 का मान आपको कितना दे रखा है यहाँ पर? यह आपको दे रखा है -394। और H2 के लिए कितना दे रखा है? यह आपको दे रखा है -286। और माइनस डेल्टा HF C6H6 आएगा आपका। बात समझ में आ रही? इसे हल कर लेते कितना आता है? 3270 -3270 बराबर आपका कितना आएगा? ये आपका आ रहा है यहाँ पर -2364 प्लस आपका कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है -858 माइनस डेल्टा HF आपका आ रहा है C6H6 आपका आएगा यहाँ। बात समझ में आ रही? आपका यहाँ पर डेल्टा HF C6H6 आपका कितना आएगा यहाँ से? ये आपका आएगा यहाँ पर +48 आएगा। कितना आएगा? +48 आएगा जब इसे आप हल करोगे। यानी आपको जो आंसर मिला वो आपको क्या मिला यहाँ से? +48 किलो जूल मोल इनवर्स आपको मिला यहाँ। ये आपका क्या है? किलो जूल मोल इनवर्स में है। बात समझ आई? ये आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये आपको केवल बी ऑप्शन में दे रखा है। तो प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर होगा यहाँ से बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, सी ग्रेफाइट का आप दहन करते हो तो आपको CO2 मिलता है, तो डेल्टा HF CO2 बराबर सी ग्रेफाइट के दहन की एंथैल्पी होगी। इसी तरह से डेल्टा HF HF H2 के जो आपके
संबंध की ऊष्मा है H2 के दहन की ऊष्मा के बराबर होगी। और यहाँ पर हमने C6H6 यानी बेंजीन के दहन का समीकरण लिख लिया। उस समीकरण से हमने क्या निकाला, यहाँ पर इसके यहाँ पर जो हमने समीकरण लिखा वो किसका लिखा, दहन के समीकरण लिखा वो क्या होता है, उत्पाद के संबोधन की ऊष्मा माइनस अभिकारक के संबोधन की ऊष्मा। O2 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये आपका केस में होता है मुक्त अवस्था में होता है, किसमें होता है मुक्त अवस्था में, बात समझ आ रही। इसके लिए डेल्टा HF का मान क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से आपको हल करने पर डेल्टा HF C6H6 बराबर +48 किलो जूल मोल इनवर्स मिल गया, जो कि आपके बी ऑप्शन में था। तो आपका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।